बच्चों आज एक नया टॉपिक है अपना, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुक्र जनन और अंड जनन में चार अंतर लिखो। कई बार एग्जाम में सवाल आता है शुक्र जनन और अंड जनन में चार अंतर लिखो। जो शुक्र जनन और अंड जनन क्रिया है उसमें चार अंतर लिखो, ठीक है। तो शुक्र जनन और अंड जनन में चार अंतर आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। ये क्रिया कहां संपन्न होती है? शुक्र जनन क्रिया है, ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। सबसे पहले आपको बताना ये क्रिया कहां संपन्न होती है? वर्षण में संपन्न होती है। जो पुरुष का वर्षण है उसके अंदर ये संपन्न होती है, ठीक है। और ये क्रिया कहां संपन्न होती है? ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। क्रिया कहां संपन्न होती है? अंडाशय में संपन्न होती है, ठीक है। ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। सबसे पहला डिफरेंट तो बहुत अच्छा हो गया कि शुक्र जनन कहां होता है, कि शुक्र जनन पुरुष के वर्षण में संपन्न होती है और ये क्रिया महिला के अंडाशय में संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट, शुक्र जनन क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कब चलती रहती है? ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जब तक आदमी जिएगा तब तक ये शुक्र जनन क्रिया चलती रहती है। ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये क्रिया एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ये क्रिया एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है और वो निश्चित आयु होती है 45 से 50 वर्ष। निश्चित आयु होती है 45 से 50 वर्ष, उसके बाद ये रुक जाती है महिलाओं में, ठीक है। निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो पहला डिफरेंट ये हो गया कि ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है, क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है, ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये क्रिया होती है और निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अब उसके बाद आपको एक डायग्राम है, उस डायग्राम से आपको समझाते हैं कि इस तरह से क्या अंतर है। चार पांच अंतर उस डायग्राम से आ जाएंगे। सबसे पहले ये क्या है? ये अद्य जनन उपकला है, ठीक है। अद्य जनन उपकला होगी, इसका विभाजन होगा और बनेगी ये शुक्र जनन कोशिका है। क्या बनेगी? शुक्र जनन कोशिका या शुक्र मात्र कोशिका। क्या बनेगी? शुक्र मात्र कोशिका। इस डायग्राम से आपको सब अंतर डिफरेंट हो जाएंगे, क्लियर। ये शुक्र मात्र कोशिका से बनेंगे शुक्राणु, प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बनेगी? प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका। इससे चार पांच अंतर आएंगे आपके निकल के। प्राथमिक शुक्र कोशिका और प्राथमिक शुक्र कोशिका का होगा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और बनेगी द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका से बनेंगे शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु पूर्वी से बनेंगे शुक्राणु। शुक्राणु पूर्वी से क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। ये आप डायग्राम याद रखना, इस डायग्राम से तीन चार अंतर आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। तीन चार अंतर इस डायग्राम से बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप बताओगे शुक्र मात्र कोशिका से बनेगी प्राथमिक शुक्र कोशिका, इसको कहते हैं वर्धी अवस्था। क्या कहते हैं? वर्धी अवस्था। ये अवस्था है गुणन अवस्था। कैसी अवस्था है? गुणन अवस्था। और वर्धी अवस्था और ये अवस्था है परिपक्वन अवस्था। कैसी अवस्था है? परिपक्वन अवस्था, ठीक है। इसमें नाम आपको याद रखने हैं। शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है, इसको कहते हैं वर्धी अवस्था। और परिपक्वन अवस्था है, इसमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन दो होते हैं, ठीक है। इसमें बनती है द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्या बनेगी? द्वितीयक शुक्र कोशिका। नाम याद रखने हैं, नाम याद रखोगे तो अंतर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें बनते हैं ये शुक्राणु पूर्वी। क्या बनते हैं? शुक्राणु पूर्वी। और फिर उसके बाद ये बनते हैं शुक्राणु, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है, इसमें अंतर मैं बताऊंगा आपको कैसे होंगे। ये है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। क्या है? शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। ये शुक्राणु पूर्वी कायांतरण है। अब इसको आपको बताते हैं किस तरह से क्या है। इसमें ये जनन उपकला है, जनन उपकला के विभाजन से क्या होगा? सबसे पहले बनेगी अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका गुणन अवस्था से, अंड जननी कोशिका को अंड मात्र कोशिका कहते हैं, अंड मात्र कोशिका, ठीक है। ये अंड मात्र कोशिका गुणन अवस्था है। फिर अंड मात्र कोशिका से बनेगी प्राथमिक अंड कोशिका, वर्धी अवस्था। कैसी अवस्था? वर्धी अवस्था। प्राथमिक अंड कोशिका, प्राथमिक अंड कोशिका बढ़ गई। प्राथमिक अंड कोशिका ये कैसी अवस्था है? वर्धी अवस्था है। कैसी अवस्था है? वर्धी अवस्था। फिर उसके बाद परिपक्वन अवस्था है। इसे एक छोटे आकार कोशिका बनेगी, एक बड़े आकार कोशिका बनेगी, द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बनेगी? द्वितीयक अंड कोशिका। और फिर इससे बनेगी एक छोटे आकार कोशिका और एक बनेगा अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु। ओ ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है, ये अर्धसूत्री सेकंड है। इसमें 2n है प्राथमिक शुक्र कोशिका, ये ध्रुवकाय और द्वितीयक अंड कोशिका आद्युगुणित है।
ये अंडाणु भी आगुणित है, इससे भी दो ध्रुवकाय बनेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहां से अंतर निकालने शुरू करते हैं। यड़सूत्री प्रथम ये परिपक्वन अवस्था है। कैसी अवस्था? परिपक्वन अवस्था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गुणन अवस्था में अंतर ढूंढते हैं। गुणन अवस्था में ऐसे है कि सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट होगा कि प्राथमिक सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से, सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ अंड जननी कोशिकाएं भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और प्राथमिक अंड कोशिका बनाती है। तो इसमें एक वर्ड आ जाएगा, इसमें तीसरा डिफरेंट अपन लिखेंगे सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से, इसमें लाइन जोड़ेंगे सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। सभी शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है, इसमें लिखेंगे सभी अंड जननी कोशिका से प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, ये आंसर यहां से ढूंढा है। फिर उसके बाद अगला है वर्धी अवस्था काफी जटिल होती है। चौथा डिफरेंट होगा वर्धी अवस्था काफी जटिल होती है। वर्धी अवस्था काफी जटिल और इसमें वर्धी अवस्था सरल होती है। वर्धी अवस्था सरल होती है और इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिका आकार में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इसमें वर्धी अवस्था जटिल होती है और इसमें प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बढ़ जाता है। प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बढ़ जाता है। तो चौथा डिफरेंट हो गया वर्धी अवस्था सरल है, इसमें वर्धी अवस्था जटिल है। फिर उसके बाद पांचवा डिफरेंस ये है कि इसमें परिपक्वन अवस्था होती है। उस परिपक्वन अवस्था की विशेषता है कि परिपक्वन अवस्था से दोनों जो शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु बनते हैं उसमें कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। इसमें कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। अगला डिफरेंट है कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। कोशिका दर है उसका समान विभाजन होगा। इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हो रहा है। एक छोटे आकार की कोशिका बन रही है, इसमें इस कोशिका दरों का असमान विभाजन हो रहा है और एक छोटे आकार की कोशिका बन रही है और एक बड़े आकार की कोशिका बन रही है। कोशिका दरों का अनइक्वल विभाजन हुआ है, एक बड़े आकार की कोशिका बनी है, एक छोटे आकार की कोशिका बनी है। फिर उसके बाद इसमें ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन दोनों वर्षण में होते हैं। कहां संपन्न होते हैं? दोनों वर्षण में होते हैं। ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है, ये अंडाशय में होता है और ये अंडाशय से बाहर अंडवाहिनी में होता है। कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है, निषेचन के बाद। अब इसमें जो अंडाणु बनता है, अंडाणु गतिशील नहीं होता है। ये शुक्राणु बनता है, ये गतिशील होता है। इसमें अंडाणु में पीतक होता है और इसमें शुक्राणु में पीतक नहीं होता। तो शुक्राणु गतिशील होता है और इसमें पीतक नहीं होता है। शुक्राणु गतिशील होता है और इसमें पीतक नहीं होता है। अंडाणु गतिहीन होता है और इसमें गतिहीन होता है और इसमें आपको बताना है पीतक उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गए शुक्र जनन और अंड जनन में। सबसे पहले आप बताओ कि ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने को क्या करना है कि आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये क्रिया है ये वर्षण में होती है और ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। फिर ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, शुक्र जनन क्रिया, और ये क्रिया होते हुए निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। और इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम याद रखना। सबसे पहला तीसरा डिफरेंट होगा कि इसमें सभी शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। सभी शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। इसमें सभी अंड जननी कोशिका अंड मात्र कोशिका उससे प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनेगी। यानी 60-80 हजार क्या होगा, प्राथमिक अंड कोशिका बनेगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, अंड जननी कोशिका करोड़ों की संख्या में होती है, वो नष्ट हो जाती है। अगला डिवीजन बहुत ही सिंपल है कि इसमें वर्धी अवस्था काफी सरल होती है, इसमें वर्धी अवस्था काफी जटिल होती है, जिसमें पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन दो अवस्थाएं होती हैं। इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिका का आकार कुछ बड़ा होता है, इसमें प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। फिर आता है इस परिपक्वन अवस्था में अंतर कि प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, उसमें कोशिका दर बराबर रूप से बढ़ता है। इसमें कोशिका दर बराबर रूप से बटेगा, इसमें कोशिका दर किस रूप से बटेगा, बराबर रूप से बढ़ता है, यानी कोशिका दर उसका बराबर विभाजन होता है। ठीक है, और इसमें कोशिका दर अनइक्वल बढ़ रहा है, एक कोशिका बड़ी बन रही है और दूसरी कोशिका छोटी बन रही है। बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं
और छोटी कोशिका को ध्रुवाय करते। एक अंतर और हो सकता है कि इसमें एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं, इसमें एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। यह डिफरेंट और हो सकता है कि एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक अंडाणु बनता है। अब ये आपको अगर याद नहीं है तो मेरा शुक्रजनन अंडजनन का वीडियो डाला हुआ है, उसमें ये पूरा पॉइंट प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें क्या होता है, ये प्रथम और द्वितीय जो परिपक्व विभाजन होते हैं दोनों वर्षण के अंदर ही होते हैं और शुक्राणु परिपक्व अवस्था में बाहर निकलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, जो ये प्रथम विभाजन है, ये प्रथम विभाजन तो अंडाशय में होता है, लेकिन द्वितीय अर्धशूद्री विभाजन होता है वो अंडाशय से बाहर होता है। क्या होता है? अंडाशय से बाहर, अंडवाहिनी में निषेचन के बाद होता है। तो ये अपने को कुछ ध्यान रखने पॉइंट्स। तो अपने 6-7 डिफरेंट हो गए, वो 4 डिफरेंट आपके परीक्षा में आते हैं। आप क्यों अगर चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूं नीचे, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट लिख देते हैं, 4-5 पॉइंट लिख देते हैं। डायग्राम तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अपन इसको लिख देते हैं। लिखने से क्या होता है, अंतर आसानी से याद रहते हैं। इसमें है कि भाई सभी जो अपन कह रहे हैं अंड मात्र कोशिका से किससे होता है, अंड मात्र कोशिका से, सॉरी इसमें शुक्र मात्र कोशिका आएगी, शुक्र मात्र कोशिका से सभी शुक्र मात्र कोशिका से शुक्राणु बनते हैं, सभी शुक्र मात्र कोशिका से क्या बनते हैं, शुक्राणु, यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। क्या बनती है? प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो अपन कह रहे हैं अंड मात्र कोशिका है, क्या है, अंड मात्र कोशिका है, उस अंड मात्र कोशिका से प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनती है, प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनती है, प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनती है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि इसमें शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक, इसमें वर्धी अवस्था, वर्धी अवस्था कैसी होती है, सरल होती है, वर्धी अवस्था सरल होती है, और प्राथमिक शुक्र कोशिका का आकार में वर्धी ज्यादा नहीं होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका के आकार में ज्यादा वर्धी नहीं होती है। इसमें वर्धी अवस्था जटिल होती है, वर्धी अवस्था जटिल होती है, और इसकी दो अवस्था होती है उप अवस्था, एक का नाम होता है प्री विटेरोजेनेसिस, एक का नाम होता है विटेरोजेनेसिस, यानी पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन, दो अवस्था होती है, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन, दो अवस्था होती है, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन। फिर उसके बाद अपन कहते हैं और डिफरेंट क्या है, और डिफरेंट इसमें आप बताओगे कि जो शुक्रजनन क्रिया है, इस शुक्रजनन क्रिया में आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रथम परिपक्व विभाजन और द्वितीय परिपक्व विभाजन वर्षण में होता है। प्रथम परिपक्व विभाजन और द्वितीय परिपक्व विभाजन कहाँ होता है, वर्षण में, कहाँ होता है, वर्षण में संपन्न होता है, वर्षण में संपन्न होगा। इसमें प्रथम परिपक्व विभाजन तो अंडाशय में होगा, प्रथम परिपक्व विभाजन तो किसमें होगा, अंडाशय में होगा, और द्वितीय परिपक्व विभाजन है वो अंडाशय से बाहर अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, चार शुक्राणु बनते हैं, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं, इसमें एक प्राथमिक अंड कोशिका से, एक प्राथमिक अंड कोशिका से आपको बताना है एक अंडाणु, कितना, एक अंडाणु और तीन ध्रुवकाय बनते हैं, एक अंडाणु और तीन ध्रुवकाय बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट आप बताओगे कि ये जो क्रिया होती है इसमें कोशिका दरों का समान विभाजन होता है, कोशिका दरों का कैसा विभाजन होता है, समान, इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है, कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये मेन मेन डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट है लेकिन अपने को ध्यान रखना है शुक्रजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में क्या डिफरेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है मेन मेन डिफरेंट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, शुक्रजनन और अंडजनन का प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे अंतर लिखने चाहिए। थैंक यू बच्चों।